गुड मॉर्निंग। ओके, आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो बेटा जल्दी स्टार्ट करते हैं। इसका फोर्थ चैप्टर पे आ गए हम, सेल। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, आज और कल दोनों दिन में कवर कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, बुला लो सबको फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, पार्ट वन। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आई एम कोमल यादव एंड हमारे सेशन होता है 5 PM ऑन प्लस, वहीं पे 8 PM एंड 9 AM मॉर्निंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, सो दे ये दो टाइमिंग्स है बेटा। बॉटनी के लिए आप लोग अन अकेडमी नीट को भी फॉलो कर सकते हो। सो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलिए चले जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी बेटा आज की क्लास की। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ID है, इसको फॉलो कर लेना एंड बुला लो सबको जल्दी से। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्रैश कोर्स में लेट आओगे तो यार कैसे काम चलेगा? चलो आ जाओ फटाफट। गुड गुड। चैप्टर कौन सा शुरू हो गया यहाँ? सेल। अब अगस्त का एक बार ही बता देती हूँ मैं। ऑगस्ट के लिए आई विल बी टेकिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फॉर 12th क्लास और सेल साइकिल एंड अनाटमी फॉर 11th क्लास। ठीक है, प्लस पे। तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से। कूल, ओके, लेट्स गो स्टार्टेड। सेल चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात, सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे। फिर दो टाइप के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोट में दो है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। कंप्लीट करते 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 आज हम इनिशियल पार्ट से बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं चैप्टर। ठीक है, चलो ओके। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सेल थियोरी की। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ बेटा, सिर्फ जो आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, सेल सेल थियोरी। अब सेल थियोरी वॉज गिवन बाय, नाम दोनों इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के, ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट। सेल थियोरी वॉज गिवन बाय श्लेडन एंड श्वान। श्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट, श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ तक कहाँ हो भाई? एक दिन में तो तुम लोगों का खत्म हो जाए, फुस हो जाते हो हैं, बस खत्म जोश। तीसरे चैप्टर तक आते आते आधे हो गए हो। हाँ ठीक है, गुड। नाउ व्हाट डज द सेल थ्योरी से? इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक तो सेल्स जो है, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शन इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया इस बात का? अरे देखो, यहां पे हमने ऊपर बोला सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब बना भी पूरा ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर का, इसी का हुआ है, सेल का हुआ है। और जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो भी सेल्स का है। सो ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर इंटरैक्शंस, जो सेल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे उससे आपके ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी निकल के आ रहा है। सो सेल्स के इंटरैक्शन से टिश्यू का फंक्शन, टिश्यू के इंटरैक्शन से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम विल फॉर्म ऑर्गन बाय इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स। ठीक है,
तो यहाँ तक बेसिक पॉइंट, यहाँ तक कोई इशू नहीं था हमें। लेकिन इस सेल थ्योरी के अंदर एक पॉइंट और बाद में ऐड किया गया जिसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोल देते हैं, एंड दैट इज बाय रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ, नाउ रुडोल्फ वर्चाउ ने बोला कि ये नहीं पता है कि कहाँ से आ रहा है सेल। बार बार सेल थ्योरी के ऊपर एक ही क्वेश्चन किया जा रहा था बार बार कि सेल कहाँ से आ रहा है, आया कहाँ से। तो बहुत ही एकदम दो सामने वाले को शांत कराने के लिए बोले, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई बात का लॉजिक खास है नहीं कि सेल कहाँ से आ रहा है, पिछले सेल से आ रहा है। बात तो ये हुई थी ना कि किधर से ओरिजिनेट हो रहा है। अब वो चीज़ चली जाती है एवोल्यूशन वाले पार्ट में, दैट हाउ डिड अ सेल इवॉल्व। ठीक है, तो सेल थ्योरी के अंदर दो कंपोनेंट्स आएंगे, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंपोनेंट, और फिर कहाँ से आए सारे के सारे सेल्स, दे ऑल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दोनों नाम, तीनों नाम इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट सेल थ्योरी पे आ जाता है। फिर आती है बात सेल के डायमेंशंस की, एक और बड़ा फेवरेट पोर्शन क्वेश्चंस के लिए, एंड दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल की कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा का जो डेटा एनसीईआरटी में दिया है, टेक्स्ट में अलग दे दिया है और डायग्राम के नीचे अलग दे दिया है, 0.1 micron to 0.3 micron। ठीक है, अब ऐसी जगह पे जहाँ पे एनसीईआरटी खुद अपने आप से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, आया तो कोई एक ऑप्शन होगा, और अगर दो ऑप्शन होंगे तो तुमको दोनों के लिए नंबर मिलेगा, चिंता नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर डायग्राम दे के पूछा है साइज कि ये क्या साइज का स्ट्रक्चर होता है, तो प्लीज़ डायग्राम के नीचे जो वैल्यू दी है उसके साथ जाना। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनना चाहिए, बट बन गया तो ग्रेस आ जाएगा, ग्रेस भी नहीं आया तो रीज़न होगा उसका कुछ, जैसे कि डायग्राम दे के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान से याद करना इसको। दूसरा बैक्टीरिया, थर्ड यार आरबीसीज, फोर्थ नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल में आ जाएगा ऑस्ट्रिच एग। डेटा के लिए एनसीईआरटी से बाहर नहीं, गूगल सर्च मत मारना, अलग वैल्यूज मिलेंगी, सही भी हो सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है डेटा के लिए। डू नॉट रेफर एनीथिंग एल्स फॉर द डेटा। ठीक है, तो साइज वाइज अगर जाएंगे तो बैक्टीरिया इज 3 to 5 micron, आरबीसीज का आ जाएगा 7 micrometer, माइक्रॉन के अराउंड, एंड ऑस्ट्रिच एग इज क्वाइट लार्ज, ऑस्ट्रिच एग का लगभग आपके पास बियॉन्ड चला जाता है, 10-12 के पास चला जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट सेल, और एग जब बोल रहे ना ऑस्ट्रिच एग, तो उसका अंडा नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द गेमीट, नॉट अंडा। फर्टिलाइज एग इज डिफरेंट, फर्टिलाइज एग के अंदर तो बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलें। शेप और स्ट्रक्चर बहुत वैरी करता है, ये तो पता ही आपको, इतने सारे डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर्स आपने देखे हैं सेल के अंदर, पॉलीगोनल हो गया, ओवल हो गया, एलोंगेटेड हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक, देयर आर लॉट ऑफ सेल्स टाइप, सेल स्ट्रक्चर्स दैट यू हैव सीन, लेकिन डेटा वाइज जो बोर्ड पे लिखा है ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास आया प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, मेन बड़ा डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है इन प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर प्रोकैरियोट बोला तो दिमाग में बैठा लो, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ना तो आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, आपके पास 70S राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है। मैं पूरा डिटेल में समझा रही हूँ अभी, मेजरली ये तीन पॉइंट्स डिफरेंस। देन यूकैरियोटिक सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देना, यहीं पे डिफरेंस लिखवाऊंगी प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ड्रॉ करते मत बैठना, मुझे पता है बहुत मजा आता है प्लांट सेल एनिमल सेल ड्रॉ करने में, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो मैं 5th class में पढ़ाया था पहली बार प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उस पर, पूरे सेल में बहुत चीज़ें हैं चैप्टर में जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू प्लांट सेल एनिमल सेल, और अगर आ गया तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी क्वेश्चन, और तुमने अगर वो भी गलत कर दिया तो
जीते रहो बेटा, ठीक है? ओके, नाउ प्लांट सेल एनिमल सेल के नीचे जगह छोड़ दो, आ रहे हैं इस पे वापस। पहले आ जाओ प्रोकैरियोटिक सेल पे, डायग्राम बना के पूरा प्रोकैरियोटिक सेल एक ही बार में, एक ही पेज पे फुल डिस्क्रिप्शन के साथ छोटा बनाना डायग्राम, ताकि लेबलिंग अच्छे से कर सको, ठीक है? इतना बड़ा डायग्राम बना दोगे फिर उसके बाद जगह ही नहीं बचेगी लेबल करने के लिए। मेक श्योर द डायग्राम इज इन द सेंटर एंड स्मॉल, इतना भी छोटा नहीं कि दिखाई ना दे, बट अ लिटल स्मॉलर। ये जो ब्लू वाला लेयर है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स इज द आउटमोस्ट लेयर, सबसे बाहर। और जो चीज सबसे बाहर है वो दो काम में आएगी, एक अटैचमेंट और एक प्रोटेक्शन। आउटमोस्ट लेयर इज मेजरली प्रोटेक्टिव, ठीक है? जैसे आप अपनी स्किन देख लो, सो दिस इज आउटमोस्ट प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव अगेंस्ट वॉट? प्रोटेक्टिव अगेंस्ट एनवायरमेंट, ठीक है? और एनवायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरा होस्ट की इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट कर रहा है, होस्ट की इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक? अटैचमेंट, अटैचमेंट टू द सर्फेस, किसी भी चीज़ को अटैच होने के लिए या होस्ट को अटैच होने के लिए भी ये चीज़ हेल्प हो जाएगी आपको, इसमें काम आ जाएगा। ग्लाइकोकेलिक्स इज ग्लाइको है ना वर्ड में, ग्लाइको मीन शुगर, तो शुगर कॉम्पोनेंट है। तो इट इज़ मेजरली आपके पास दो टाइप का हो सकता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इट कैन बी वेरी हार्ड, जिसको हम कैप्सूल बोल देते हैं, और एक हो जाता है थोड़ा स्लाइमी और स्मूथ सा, जिसको हम स्लाइम लेयर बोल देते हैं, ठीक है? स्लाइम लेयर बोल देते हैं। सो दीज आर टू कॉम्पोनेंट्स हियर, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर इज स्टिकी, तो स्मूथ एंड स्लाइमी स्टिकी, और कैप्सूल थोड़ा हार्ड कवरिंग हो जाती है, ठीक? सेकेंड लेयर सेल वॉल, सेल वॉल। नाउ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो पार्ट इज द अमाइनो पार्ट, अमाइनो एसिड, और ग्लाइकन शुगर। दो तरीके के शुगर होते हैं, नैग एंड नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग एंड नैम। अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास लिस्ट लगी हुई है, एल लाइसिन, एल एलेनिन, डी एलेनिन एंड डी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है? ये चारों के चारों प्लस टिकोइक एसिड अगर है वॉल के अंदर, तो वो हो जाता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब अगर ग्राम स्टेनिंग करोगे, जो क्रिश्चियन ग्राम ने वायलेट कलर का स्टेन बनाया था, अगर आप उस पूरे प्रोसेस से जाते हो, तो दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज गोइंग टू टेक अप दैट ग्राम स्टेन एंड विल बिकम पर्पल। उसमें क्या क्या है, एल लाइसिन, एल एलेनिन, डी एलेनिन एंड डी ग्लूटामिक एसिड। लाइसिन छोड़ दो, ये तीन प्लस डी ए पी ए, डाई अमाइनो पैल्मिटिक एसिड, डी ए पी ए, अगर ये है उसमें एडिशनल, तो ये बन जाएगा ग्राम नेगेटिव। ये आपका वो ग्राम स्टेन पर्पल कलर का नहीं उठाने वाला है। ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक स्मीयर लो, बैक्टीरिया रखो, फैला दो उसको, ठीक है? कल्चर रख के फैला दिया, हीट, आपने हीट फिक्स कर दिया उसको स्लाइड के ऊपर, क्रिस्टल वायलेट डाला, आयोडीन डाला, क्या बन गया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। कहाँ बन गया, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए टिकोइक एसिड चाहिए। टिकोइक एसिड अगर प्रेजेंट है तो स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और रखा जाएगा, स्टेबली प्रेजेंट है। टिकोइक एसिड अगर एब्सेंट है तो ये स्टेन वॉश ऑफ हो जाएगा जब आप अल्कोहल से धोओगे। व्हेन यू वॉश इट विद अल्कोहल, ग्राम नेगेटिव वाला जिसके पास टिकोइक एसिड नहीं है वो ये स्टेन लूज कर देगा, जबकि ग्राम पॉजिटिव वाला इसको होल्ड करके रखेगा। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ टेकिंग द पॉजिटिव स्ट्रेन और द कलर ऑफ ग्राम स्टेन, इसलिए वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है ग्राम स्टेनिंग को, इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहला रहा है। रीज़न क्या है, टिकोइक एसिड इज द मेजर रीज़न, ठीक है? दो मेन ब्रॉड डिफरेंसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाली लेयर आ जाएगी, येलो वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमसे काफ़ी मिलती है इसकी, तो एक ऐसा ऑर्गेनली है ये, या एक ऐसा लेयर है विच इज़ एक स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी सिमिलर टू अस। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में काफ़ी सिमिलैरिटी है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, आज डिस्कस कर लेंगे एंड में।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभार अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, कहलाता है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्यों बनाए गए हैं? बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन के नाम पे अगर कुछ है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बस। देयर इज नो अदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो जो भी काम मेम्ब्रेन रिलेटेड होता है उस सब के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। सो टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने क्या बनाया? मीजोसोम। टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है सर्फेस एरिया? ताकि इसके फंक्शन थोड़े बढ़ सके। फंक्शन में क्या आ जाता है? पॉइंट नंबर वन, जो मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट जिस फंक्शन में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज रेस्पिरेशन। तो मीजोसोम्स ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहे हैं बैक्टीरिया के लिए। रेस्पिरेशन से एनर्जी, एनर्जी के लिए आपको मेम्ब्रेन में घुसे हुए कुछ कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस चाहिए होते हैं, ETS इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ याद है? हाँ, तो वो चीज़ भी आ जाएगी ना इसमें, वो चीज़ भी आ गई इसके अंदर, ठीक है। चलो, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया उसमें हेल्प कर देता है मीजोसोम, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि डीएनए कभी कभार कुछ मीजोसोम्स को ही अटैच रहता है। ये देखो यहाँ पे होगा, ये जेनेटिक मटेरियल इसका, ठीक है। इसके अलावा देयर माइट बी ऑल्सो सम सिक्रीशंस फ्रॉम मीजोसोम्स, ठीक। मीजोसोम के तीन डिफरेंट शेप्स पॉसिबल हैं। क्या शेप्स पॉसिबल हैं? एक वेसिकल जैसा होगा तो वेसिक्युलर, ठीक है। ट्यूब जैसा हो गया, अगर मान लो ऐसे हो गया है तो ट्यूबुलर, और अगर फिंगर लाइक हो गया है ऐसा तो लैमिलर। क्या हो गया है? लैमिलर, ठीक है। थ्री डिफरेंट शेप्स आर पॉसिबल, और भी होती है बट ये मेन तीन है जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन कर दिए, ठीक। मीजोसोम्स, क्लियर। इनवैजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवैजिनेशंस मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्यों बढ़ा दिया? रीजन ये सारी चीज़ें। अब मैंने कहा कि मीजोसोम को जेनेटिक मटेरियल अटैच होता है, तो इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर या फिर प्रोक्रोमोसोम या फिर पांच नाम है, रुको, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इनसीपिएंट न्यूक्लियस एंड नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? पैकेजिंग मटेरियल है डीएनए का, कहाँ? यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट में नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते थे नेकेड डीएनए। बट जेनेटिक कॉम्पोजिशन है क्या चीज? सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब जिसके भी दिमाग में आ रहा है डाउट कि डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, या तो बायोमोलिक्यूल्स का वेट कर लो और या फिर तुम जाके पढ़ लो आज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर आएगा। इट्स एन एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, ठीक है, जो कि पढ़ लेना चाहिए था बेटा अभी तक, लेकिन अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 2 महीने में नीट का पेपर देना है, डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता है, गलत हो जाएगा ये, बहुत बहुत ही गलत है। चलो फिर भी ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आ जाएगा, घबराना नहीं, आ जाएगा, वहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विदाउट एनी हिस्टोन प्रोटीन्स। चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन से टाइप के हैं? 70S. Now what does S stand for? Sedimentation coefficient. आपने bacterial cell निकाला, बहुत speed में घुमा दिया, एकदम मस्त centrifuge पे, ठीक है, बहुत जोर जोर से घुमा दिया, पूरा चितड़े चितड़े हो गया सेल, ठीक है। लेकिन इट वॉज गोइंग टू सेटल अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी एंड साइज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी जहाँ पर वो वैल्यू सेटल डाउन होती है, तो इमेजिन कर लो थोड़ा सा ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें इट इज गोइंग टू गेट टू अ वैल्यू ऑफ 70. तो 70S बोल दिया, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। कुछ जगह पे आपको ये स्वेडबर्ग्स कोएफिशिएंट के नाम से भी मिलेगा। स्वेडबर्ग वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। तो स्वेडबर्ग्स कोएफिशिएंट भी ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी ठीक है, राइट। काम क्या है इसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम्स आर हेल्पिंग इन
प्रोटीन सिंथेसिस, सो प्रोटीन फैक्ट्रीज. क्या ये कोई ऑर्गेनली है? नहीं, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनली, स्पेशली इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. इसके चारों तरफ कोई फॉस्फोलिपिड बायलेयर नहीं है, जबकि ऑर्गेनलीज के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर ही होती है. ठीक है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इसके पास नहीं है. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोट्स में मिलता है कि एक ही एमआरएनए स्ट्रैंड पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. राइट, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स. क्या बोलते हैं हम इसको? पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स. क्यों होता है ऐसा? या तो बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जिनको ट्रांसलेट करना है. ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे कोड है, तो मल्टीपल प्रोटीन बनाना है वहाँ से, या फिर थोड़ा प्रोसेस स्पीड अप करना है आपको. ठीक है, यू हैव टू इंक्रीज द रेगुलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसके चक्कर में ये बन जाता है. ठीक है बेटा, हाँ जी, गुड. अरे काय का बफरिंग रे, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है. चल, पढ़ना वढ़ना नहीं है, बफर नहीं हो रहा है मैम, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है. कुत्ता होमवर्क खा गया मेरा, बहाने भेपाल थूके. ओके, चलो आगे. अगला पॉइंट, द मेन एरिया वेर एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. कुछ है ही नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म है और बाहर चार लेयर है. ठीक है, तीन लेयर लगी हुई है और अंदर साइटोप्लाज्म है. सो द मेन एरिया वेर द होल प्रोसेस और एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. तो इसलिए साइटोप्लाज्म को हम बोल देते हैं मेन एरिना. क्या बोल देते हैं? मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी. मेन एरिना मीन्स मेन एरिया. जैसे आप लोग असेंबली वगैरह होती है स्कूल में, है ना, तो जो असेंबलिंग एरिया है वो एरिया हो गया ये. मैक्सिमम जितनी एक्टिविटी हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है. साइटोप्लाज्म हियर डज नॉट हैव एनी धागा धागा वाला इंटरनल स्ट्रक्चर. अंदर कोई प्रोटीन का इंटरनल धागों वाला स्ट्रक्चर नहीं है. इतना बड़ा सेल ही नहीं है कि इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट हो. तो इंटरनल साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट. ठीक है, सेल के अंदर का साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, इसलिए ये आपका जो साइटोप्लाज्म है ये कोई साइक्लोसिस नहीं शो करता. साइक्लोसिस मतलब वो साइटोप्लाज्म का गोल 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 घूमना सेल के अंदर. कैसे घूमेगा? धागे चाहिए उसको घुमाने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर चाहिए, इंटरनल स्केलेटन चाहिए. स्केलेटन है ही नहीं, इंटरनल वो फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि सेल ही इतना बड़ा नहीं है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हेंस नो साइक्लोसिस, नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, बिकॉज नो साइटोस्केलेटन इन प्रोकैरियोटिक सेल. अगला आ जाओ. यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटर प्रोट्रूजन्स भी हो सकते हैं. ठीक है, कुछ आउटर प्रोट्रूजन्स भी हो सकते हैं, एंड दीज आर नोन एज पाइलस या फिम्ब्री. अब पाइलस थोड़े नंबर में कम होते हैं, फिम्ब्री ज्यादा होते हैं नंबर में. पाइलस फिम्ब्री दोनों अलग नाम है बेटा. पाइलस अलग स्ट्रक्चर है, फिम्ब्री अलग स्ट्रक्चर है. पाइलस क्या? गिनती के कुछ नंबर होंगे, अटैचमेंट में हेल्प कराते हैं. फिम्ब्री बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं, सो दे आर लाइक ब्रिसल्स मल्टीपल, बहुत सारे. लेकिन दिमाग में ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों स्ट्रक्चर सिर्फ अटैचमेंट के लिए हैं, लोकोमोशन के लिए नहीं है. सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, जाके चिपकाए आते हो, बोल देते लोकोमोशन, चलेगा नहीं, सिर्फ अटैचमेंट के काम आएगा. इट इज ओनली फॉर अटैचमेंट, नॉट फॉर लोकोमोशन. ना तो पाइलस ना फिम्ब्री, ठीक है, दोनों के दोनों चलने में हेल्प नहीं करते. चलने में कौन हेल्प करता है? फ्लाजिला. सो लोकोमोशन के लिए कौन हो जाएगा हमारे पास? फ्लाजिला हो जाएगा. यहाँ पे जो फ्लाजिला है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, इसलिए हम उसको प्रोकैरियोटिक फ्लाजिला ही बोल देते हैं. प्रोकैरियोटिक फ्लाजिला में आपके पास चार रिंग्स आती है, एक हुक और एक फिलामेंट. सो दीज फोर रिंग्स आर नोन एज बेसल बॉडी और बेसल रिंग्स. प्रोटीन की बनी है, इसको हम कहते हैं हुक, और ये हो जाता है आपका फिलामेंट. ठीक है, किसका बना हुआ है? फ्लाजेलन प्रोटीन का बना हुआ है. यहाँ पे अरेंजमेंट अलग है, यूकैरियोट का फ्लाजेला अलग होता है, आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकोमोशन के लिए. फ्लाजेला अवेलेबल है, एनर्जी लगा के फ्लाजेला से चल लो. सीलिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. प्लीज कोई ये नहीं बोलेगा आज के बाद जो मेरी क्लास में आ गया कि सीलिया प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, मैं मारूंगी बता रही हूँ. हर बार आके मैम सीलिया भी तो होता है. सीलिया प्रोटिस्टा में है,
प्रोटोजोन्स में आपके पास, सीलिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, सीलिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है बैक्टीरिया में, थोड़ा सा मिलता जुलता सा स्ट्रक्चर, ये फिम्ब्रे हो गए, लेकिन फिर भी चलने के काम नहीं आ रहा है फिम्ब्री। फिम्ब्री इज फॉर अटैचमेंट और पाइलस इज फॉर अटैचमेंट। किसको अटैचमेंट? सरफेस को अटैचमेंट, या किसी और ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को ही, ठीक है। लोकोमोशन के लिए कौन आ जाएगा? फ्लाजेला आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ए तुम लोग ना एक टीचर जब, यहाँ तक क्लियर? जाने दो, नहीं करना इधर वेस्ट टाइम। प्रोट्रूजन्स जो हैं वो पूरे यूनिट की आती हैं बेटा। प्रोट्रूजन्स जो हैं आपके पास, जो फिम्ब्री और ये है पाइलस है, दीज आर बोथ फ्रॉम द आउटर लेयर्स, ठीक है, मेम्ब्रेन वॉल दोनों निकल के आएगा, ठीक है। मनस्वी क्लियर? दोनों का है, चले आगे। लास्ट एक पोर्शन रह जाता है जिसमें अगर फूड रिजर्व खाना रखना पड़ा तो किस फॉर्म में खाना रखेगा, ठीक है। अगर इट हैज टू स्टोर फूड, कहाँ जगह है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं स्टोर फूड। इफ इट हैज टू स्टोर फूड, उनको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज, खाना स्टोरेज। खाने का स्टोरेज, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज ऐसे ही प्रेजेंट होती है यूजुअली साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो गया, या कभी स्टार्च के फॉर्म, स्टार्च नहीं, स्टार्च हो सकता है, बट दैट इज इन ब्लू ग्रीन एल्गी सर। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा को बिलोंग करता है। मोनेरा इज द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टेंट्स, ये प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स ही मिलेंगे आपको सिर्फ मोनेरा में, ठीक है। तो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, वैक्यूल के नाम पे कुछ नहीं है, देर इज नो वैक्यूल, लेकिन एक टाइप का वैक्यूल प्रेजेंट है। अगर मान लो हवा ही हो, एक एयर बबल आ गया, तो गैस वैक्यूल फिर भी मिल सकता है, थोड़ा बायंसी प्रोवाइड कर देगा, वरना और कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, क्लियर। चलें आगे, गुड। सो इंक्लूजन बॉडीज में क्या क्या हो गया, एक बच्चा पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे बेटा आपके साइनोफाइसियन, ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ऐसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जैसा ही मिलेगा साइटोप्लाज्म में, कोई एग्जैक्टली एरिया तो है नहीं स्टोर करने को। और सोचो ना, बैक्टीरिया वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, आइदर इट इज जस्ट गोइंग टू डिवाइड, या फिर वो अपना प्रोटेक्टिव लेयर, वो एंडोस्पोर वगैरह बना के बैठा हुआ है, ठीक। दोनों ही कंडीशन में उसको इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टोरेज अगर चाहिए होता तो वैक्यूल रखता था ना, कोई ऐसा स्ट्रक्चर रखता जहाँ पे स्टोरेज के लिए अलग चेंबर बनाएगा या कंपार्टमेंट बनाएगा, नहीं, डिवाइड करता जा रहा है, इट डजंट रियली स्टोर फूड दैट मच। लेकिन अगर स्टोर किया तो किस फॉर्म में करेगा? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, क्लियर। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, चलें आगे। अच्छा ठीक है, इमेजिन करो कि यहाँ पर मीजोजोम अंदर की तरफ बेंड हुआ था और अब इसने रख लिया अपने पास पिगमेंट। मीजोजोम अंदर की तरफ अच्छे से ट्यूबुलर जैसा बना था, और ट्यूबुलर के अंदर फिर क्या कर लिया? स्टोर पिगमेंट स्टोर कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर फोटोसिंथेसिस वगैरह के काम आ जाएगा, क्योंकि पिगमेंट है अंदर, क्लोरोफिल ए, ठीक। क्रोमैटो मीन्स कलर, फोर मीन्स स्टॉक, कलर कंटेनिंग स्टॉक, कलर कंटेन करने वाली डंडी कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। अच्छा, प्रिंट करा के घर भिजवा दूँ नोट्स, पढ़ भी मैं लूँगी, पेपर भी मैं दे दूँ। चलो बेटा आगे चल रहे हैं, तुम जिंदगी में टाइम पास के लिए, तुम्हें सुबह सुबह उठ के 10 बजे मेरी ही क्लास मिली टाइम पास करने को? यूकैरियोटिक सेल, वापस पीछे चल रहे हैं, यहाँ पे बताया था यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एंड उसमें हमारे पास आ गए
अब नोट्स में से लिखना, अब वीडियो में लिखना यार। वीडियो से दिखना नोट्स, आज नहीं मिल रहा नोट्स, ये तुम्हारी नजर लगी है, नोट्स लिख के दे दो मैम, नोट्स लिख के दे दो, हैंड रिटन नोट्स ले लो, ये हैंड रिटन नोट्स गए, ये है, ये वाला है, पिछला वाला गया, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक सेल्स में हमारे पास आ जाएंगे दो, प्लांट सेल एनिमल सेल, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ठीक है राइट, सिर्फ उनकी बात करने वाला है। तो प्लांट सेल में स्पेसिफिकली क्या आ जाएगा, वैक्यूल स्टोरेज के काम आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराएगा, सिर्फ यहीं पे मिलेगा, और क्या, वॉल, सेल वॉल, हाय राम सेल वॉल भूल गई मैं, सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर आएंगे सेंट्रियोल्स, सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है, इसमें वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, वैक्यूल नहीं है, होगा भी तो स्मॉल है, आजकल हम बताते हैं, पहले हम क्लियरली बोलते थे कि नहीं होता है सेल वॉल, वो नहीं है, नो वैक्यूल इन सेल एनिमल सेल, बट देर आर सम एविडेंसेज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल्स, दे माइट बी प्रेजेंट, बट ब्रॉडली अगर ओवरऑल पूरे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एनिमल सेल की बात हो जाए तो वैक्यूल अगर प्लांट सेल से कंपेयर करोगे तो एब्सेंट ही है, तो इन कंपैरिजन इट इज देयर, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले ऑर्गेनेली पे, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्गेनेली दैट वी हैव एंड दैट इज सेल वॉल इटसेल्फ। सेल वॉल का डिस्कशन कर लेते हैं, सेल वॉल इज डेड एंड कंप्लीटली परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल, बिल्कुल बिंदास कुछ भी आ जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है, लेकिन इट इज रिजिड, अगर ये रिजिड है, चेंज नहीं कर रहा अपना शेप, सो इट प्रोवाइड्स क्या, स्ट्रक्चर एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड शेप टू द सेल, ठीक है, और प्लांट सेल को बर्स्ट होने से बचाता भी है। फोर्थ पॉइंट, इंटरैक्शन कैसा, सेल टू सेल, सेल टू सेल अटैचमेंट और इंटरैक्शन में हेल्प कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, बिकॉज इट इज डेड, मेजरली ये प्रोटेक्शन किससे लेके आएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड उसके अलावा इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजन अटैक, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजन अटैक। डेड चीज है ना सबसे बाहर, तो यूजुअली उसको क्रॉस नहीं करता है, तो लेस ऑफ इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर क्रॉस कर गया तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में कभी इन्फेक्शन ही नहीं होता, होता है प्लांट सेल में भी इन्फेक्शन, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट आपके पास आ जाएगा, अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, व्हाट ऑल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। अगर किंगडम्स की बात करूँ तो एक अकेला किंगडम एनिमेलिया ऐसा है जिसके अंदर वॉल नहीं है, वरना पहले तीनों चारों के अंदर, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच व्हिटेकर का, सिर्फ एनिमेलिया छोड़ दो, बाकी चारों के अंदर वॉल का प्रेजेंस है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर अभी जस्ट पढ़ा हमने पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन का वॉल बना हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है फंगस, फंजाई, सेल काइटिन का बना है सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर इट इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज एंड हेमी सेल्युलोज, सेल्युलोज एंड हेमी सेल्युलोज, पेक्टिन भी हो सकता है। एल्गी में अलग से देखना, एल्गी में आपको बहुत अलग अलग तरीके के सेल वॉल मिलेंगे, याद हो तो पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था प्लांट किंगडम में, यू हैड पेक्टोज, यू हैड एल्जिन, अगार अगार, केराजिन, ये सब कुछ उसने कहाँ रख दिया, अपने सेल वॉल में टिका दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पे सेल्यूलोस मेन कॉम्पोनेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली एल्गी इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ वॉट,
इज अ पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में सेल्यूलोज तो होगा वॉल के अंदर, लेकिन उसके अलावा गैलेक्टन्स, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स आर देयर. गैलेक्टन्स एंड मैनन्स भी शुगर है. स्पेसिफिकली आपको कहाँ मिल रही है? एल्गी के अंदर, एल्गी सेल वॉल. ठीक, चलो अब आ जाते हैं हम अपना 8th पॉइंट पे, जिसमें हम बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की. या एक बार पूरा डायग्राम में ही समझ लो ना, काम ही खत्म. या ये तो अब फोबिया हो गई मुझे धीरे. ओके, लेट्स ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पार्ट. अगर ये आपका सेल है तो वाइट से मैं बना रही हूँ प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल इज परमिएबल एंड इलास्टिक. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल. क्या बोला हमने इसको? कि ये इलास्टिक है, एक्सपैंड हो सकती है और परमिएबल है. ठीक है, परमिएबल है. इसके थ्रू कुछ भी पास हो रहा है, एक्सपैंड हो सकती है. एक्सपैंड होने का मतलब समझ रहे हो? जब सेल डिवाइड हुआ, प्लांट सेल, तो जरा सा टिंगू सा वॉल. ठीक है, सेल भी छोटा है. अब सेल को थोड़ा एक्सपैंड होना है, एनलार्ज होना है, तो अंदर उसमें पानी भरेंगे. पानी भरेंगे तो धक्का मारेगा अंदर सेल वॉल. सेल वॉल को धक्का मारेगा तो सेल वॉल एक्सपैंड हो जाती है. एक बार ही उसने साइज या शेप ले लिया जो उसको चाहिए था, उधर फिर रुक जाएगी. देन इट स्टॉप्स स्प्रेडिंग और स्टॉप्स इलोंगेटिंग. ठीक है, तो इनिशियली वी कैन इलोंगेट योर प्राइमरी सेल वॉल. दैट मीन्स प्राइमरी सेल वॉल में इलास्टिसिटी है. ठीक है, हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. तो प्राइमरी वॉल तक तो नो प्रॉब्लम. सेकेंडरी वॉल इसके अंदर की तरफ डिपॉजिट होगी, बाहर नहीं. There is secondary wall deposition on the inside. ये चीज़ ध्यान रखना, बाहर नहीं होती है. This is secondary cell wall. और secondary cell wall में क्या चीज़ आ जाता है, किस चीज़ का deposition? Suberin, cutin, lignin. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि permeability ख़त्म हो जाती है. Now your cell wall cannot expand further. तो पहले initially अगर उसको expand करना है तो वो क्या करेगा, initially growth कर देगा. फिर एक बार ही उसने अगर deposit करा दिया अपने ऊपर suberin या lignin, फिर वो expand नहीं कर सकता. Now it is completely rigid and impermeable. So this becomes inelastic, inelastic and impermeable. इनइलास्टिक एंड इम्पॉर्मिएबल बेटा, इसके थ्रू नहीं क्रॉस कर रहा है कुछ भी. तो इसका मतलब इसके थ्रू क्रॉस कराने के लिए हमको गड्ढे बनाने पड़ेंगे या कुछ पोर्शंस बनाने पड़ेंगे ताकि थिंग्स कैन एक्चुअली क्रॉस थ्रू. उसकी भी बात करते हैं. लेकिन अगर टर्जरी लेवल पे भी डिपोजिशन हो जाए, अगर एक और लेयर डिपॉजिट करानी हो तो दिस वुड बी द टर्जरी सेल वॉल. उसमें भी यही आएंगे, suberin lignin का एक और लेयर, और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हियर. So anything that is getting deposited is on the inside. Primary cell wall और plasma membrane के बीच में deposition हो रहा है. ठीक है, इतना ज़्यादा deposition हम नहीं करा सकते, cell मर जाएगा. Cell में अगर secondary, tertiary wall तक का deposition है और पूरे में uniform deposition है तो अंदर कुछ नहीं बचने वाला, the cell is going to die. अगर cell को बचा के रखना है तो हमें फिर थोड़ा थोड़ा इसको open करना पड़ेगा, ध्यान से deposition कराना पड़ेगा. Now deposit कराना क्यों है? What is the point? Deposition कराना है for maturity, for differentiation, for specific function और फिर धीरे धीरे मरने के लिए. Mechanical strength है basically. ठीक, दो cells जो आपस में जुड़े हुए हैं, two cells that are joined together, यहाँ पे these are joined together by a cementing agent known as middle lamella. Middle lamella, middle lamella cementing agent है. ठीक है, किसका बना है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट. यूजुअली ग्लू है टू स्टिक टू सेल्स टुगेदर. ठीक है, और कम्प्लीटली परमिएबल है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू इधर उधर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. ठीक है, थिंग्स कैन ईजिली जस्ट ट्रैवल थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट. लेकिन वो प्राइम सेकेंडरी टर्जरी वॉल को नहीं क्रॉस कर पाएंगी. सेकेंडरी टर्जरी वॉल को अगर क्रॉस कराना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें बनाने पड़ेंगे पिट्स. क्या बनाने पड़ेंगे? पिट्स. इमेजिन करो ये प्राइमरी वॉल है एक की, ये दूसरे की प्राइमरी वॉल है. आपको दरवाज़ा बनाना है, तो अगर आप इस दीवार पे दरवाज़ा बनाते हो तो सामने पूरी दीवार बना दोगे तो क्रॉस कैसे कर पाओगे? यू हैव टू हैव टू डोर्स आमने सामने ताकि आप आराम से क्रॉस कर सको दोनों दीवारों को. ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल के डिपोजिशन के बाद जब सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन करा रहे हो तो कुछ ऐसे होगा.
दिस इज नोन एज पिट्स. ये निकला यहां से. प्राइमरी सेल वॉल से तो हमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो कंप्लीटली परमिएबल है, तो मुझे उससे क्या ही प्रॉब्लम होगा. होता है, रहता है, रहे नहीं रहता मत रहे. लेकिन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज पिट्स. दूसरा एक कनेक्शन आ जाता है जो लिविंग कनेक्शन आ जाता है, लिविंग कनेक्शन, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा डेड वॉल के अंदर एक लिविंग कनेक्शन है. लिविंग कनेक्शन मतलब साइटोप्लाज्म बीच में से निकल के जाएगा. इसमें क्या करना है कि अगर ये तुम्हारा सेल वॉल है, ठीक है, ये दीज आर टू सेल्स ऑफ योर्स, तो दोनों सेल्स आपस में जब कनेक्ट हो रहे हैं ना बेटा, तो इनका कनेक्शन कुछ ऐसा होगा. ध्यान देना इसको, दो वॉल्स, दो सेल्स आपस में कनेक्टेड है. तो ये लो, यहां से यहां कनेक्ट हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूस हो जाएगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूस हो गई इसके साथ साथ, ये देखो. और एक सेल का न्यूक्लियस इधर है, इस सेल का न्यूक्लियस इधर है, इसके ईआर ऐसे 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 आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीच से निकल गया, इसका ईआर पे जाके फिक्स हो गया. सो ईआर ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू ईआर ऑफ अनदर सेल. बीच में से एक ट्यूब निकल रही है, ठीक है, वो बीच में है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पूरा बीच में जा रहा है. दिस इज नोन एज डेस्मोटिब्यूल. क्या बोलते हैं इसको? डेस्मोटिब्यूल. ईआर का वो कंपोनेंट जो सेल वॉल के बीच से निकल रहा है गड्ढा बना के. अब दोनों तरफ इस डेस्मोटिब्यूल के साइटोप्लाज्म है. तुम्हारे घर में दरवाजा, सामने वाले घर में दरवाजा, यू कैन क्रॉस, जा सकते हो, रोज इधर उधर जा सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, लेकिन जाते हो नहीं. तुम्हारे घर का सोफा निकल के बाहर वाले दूसरे आंटी अंकल के घर में जा सकता है, सोफा शिफ्ट कर सकते हो, जगह है, बट कर देते हो क्या? नहीं. सो व्हाट इज गोइंग टू ट्रांसफर? ऑर्गेनेलीज नहीं जाएंगे, प्रोटीन नहीं जाएगा, जो भी चीज़ अपने आप सेल मेहनत करके बना रहा है वो चीज़ ट्रांसफर नहीं होगी. ट्रांसफर क्या होगा? पानी, मिनरल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कि मेरे घर में आग लगी तो भागो. तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दूसरे वाले को भेजे जाएंगे. कहाँ से भेजे जाएंगे? थ्रू दिस पार्ट. ये दिस इज वेयर यू गेट एक्सचेंज. तो ये जो पूरा इंटरैक्शन बना है, पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, ये इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. समझ में आया? पिट्स आर डेड कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्माटा इज लिविंग कनेक्शन. व्हाई लिविंग कनेक्शन? क्योंकि एक तो डेस्मोटिब्यूल बीच में है, ईआर का कंपोनेंट उससे कुछ जा नहीं रहा, बस एक पाइप बनाई हुई है, एक हिंड्रेंस बनाया हुआ है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म का प्रेजेंस है. साइटोप्लाज्म इज द लिविंग कनेक्शन दैट इज पासिंग थ्रू द डेड वॉल्स ऑफ द सेल. ठीक है, सेल वॉल क्लियर? गुड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग, एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? अगर तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चलोगे तो तुम्हें कहीं पे भी रैंडमली प्रोटीन, कहीं पे भी रैंडमली लिपिड मिलेगा. पहले हमें बहुत अजीब सा मिसकंसेप्शन था, हमें लगता था एक पूरा मस्त सैंडविच जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा कि प्रोटीन फिर लिपिड प्रोटीन ऐसा कुछ है. नहीं, इतना यूनिफॉर्म नहीं है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज एसिमेट्रिक एंड मोजेक. मोजेक मीन्स रैंडमली अरेंज्ड, मोजेक पैटर्न है इसका, ठीक है. इट इज क्वाजी फ्लूइड. क्वाजी मीन्स सेमी फ्लूइड. ना तो लिक्विड ही है पूरा, ना पूरा सॉलिड ही है. इट इज अ लिटिल फ्लूइड इन नेचर. फ्लूइडिटी एक चीज से और मेंटेन होती है. इसका मेन फंक्शन अगर देखें हम तो इट इज इंटरैक्शन बिटवीन आउटर एंड इनर एनवायरमेंट. सेल का एनवायरमेंट और बाहर के एनवायरमेंट में जो एक्चुअल इंटरैक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है. तो जो हमारे पास बिल्कुल रीसेंट और करेक्ट मॉडल है दैट इज नोन एज योर फ्लूइड मोजेक मॉडल, या फिर आप उसको बोल सकते हो सिंगर एंड निकल्सन मॉडल. सिंगर एंड निकल्सन
या फिर इसी का जो मस्त नाम, अच्छा नाम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, नहीं पढ़ने हैं, पहले हुआ करते थे सिलेबस में, क्योंकि एनसीईआरटी में हुआ करते थे। 2005 के बाद एनसीईआरटी बदल गई, आगे या पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है दूर दूर तक, ठीक है, वो सैंडविच मॉडल्स पे। तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत ईजिली इससे क्वेश्चन आने के चांसेस, 1970 है मेरे ख्याल से, एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना। दिस इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो हमारा मेन कंपोनेंट हमारे पास हो गया फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। दो तरीके के प्रोटीन आएंगे, ठीक है, दो तरीके के प्रोटीन्स आएंगे, लेट्स डिस्कस दैट। पहले तो आ गया फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड्स हैव टू कंपोनेंट्स, दो पार्ट दिख रहे हैं आपको इसके। एक आपको दिख रहा है हाइड्रोफिलिक हेड, और दूसरा आपको दिख रहा है नीचे ये हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर के दो पार्ट हैं, दीज आर टू पार्ट्स, वन हेड विच इज हाइड्रोफिलिक, जिसको पानी पसंद है इसलिए वो बाहर की तरफ फेस करा हुआ है, अंदर की तरफ फेस करा हुआ है। अगर दिस इज द साइटोसोल साइड, साइटोसोल का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म वाला साइड, और ये बाहर की तरफ है, आउटसाइड, ठीक है, ये बाहर की तरफ फेसिंग है। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आउटर साइड जो है सेल का और अंदर की तरफ जो एनवायरनमेंट है वो सेम होगा? नहीं। तो जो बाहर की तरफ लगे हैं, जैसे तुम्हारा एशियन पेंट्स जो है जो बाहर के लिए आ रहा है, घर के बाहर के लिए कवरिंग के लिए आ रहा है, उसको आप घर के अंदर नहीं लगाते हो, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, है ना, बाहर थोड़ा ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट है। तो ऐसे ही ये लिपिड लेयर भी बाहर की तरफ अलग फॉस्फोलिपिड्स लगाएगी, अंदर की तरफ अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड्स लगाएगी, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंदर वाला फॉस्फोलिपिड बाहर चला गया, बाहर वाला अंदर आ गया। वेरी रेयरली देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। लिपिड फिर भी कुछ थोड़ा लिमिट ऑफ फ्लिप फ्लॉप शो कर सकते हैं, बट प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो कितना बड़ा है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो कितना बड़ा है, क्या ये गोल घूमेगा? नहीं। सो प्रोटीन्स डू नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, प्रोटीन्स विल नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं, प्रोटीन लेफ्ट राइट लेटरली घूम सकता है, रोटेट हो सकता है अपने एक्सिस पे, गोल 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 गोल, लेकिन उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो करेगा। कौन? प्रोटीन। लिपिड्स माइट शो, वेरी रेयरली, 1 out of 1000 लिपिड में कहीं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के चांसेस पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोटीन में कभी भी नहीं होगी। जब आपके पास एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें दो मॉइटीज हैं, मॉइटी मतलब पार्ट, मॉइटीज मीन्स पार्ट, फॉस्फोलिपिड, ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, इसे हम बोलते हैं एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक, दैट मीन्स इट हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स इन इट, एक जो पानी को पसंद करता है और एक जो पानी को पसंद नहीं करता है। जो पानी पसंद करता है वो दोनों तरफ पानी के कॉन्टैक्ट में है और अंदर की तरफ एक दूसरे को फेस करते हुए टेल्स, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का टेल है हमारे पास, ठीक है। तो इसने तो बनाया बैरियर, लेकिन बैरियर को क्रॉस भी तो करना है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको क्रॉस करना पड़ेगा इस बैरियर को। सो हाउ आर दे गोइंग टू क्रॉस? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन कौन से हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एम्बेडेड डीप इन टू योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एकदम अंदर दबे हुए हैं पूरे के पूरे। इनको निकालना है तो पूरा मेम्ब्रेन खराब करना पड़ेगा, दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। वेयर एज ये जो ऊपर आपको एक तरफ अटैच दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज पेरीफेरल प्रोटीन्स। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दे आर ईजी टू एक्सट्रैक्ट, ठीक। तो पेरीफेरल प्रोटीन काम किसके आते हैं? दे आर यूजुअली इन इंटरैक्शन विद ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इनको बताने के लिए, सिग्नल पहुँचाने के लिए, और कोई भी चीज़ जो है इसके थ्रू निकल जाती है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में दो टाइप मिल जाते हैं आपको, कैरियर प्रोटीन जो चीज़ों को कैरी करते हैं,
एंड चैनल प्रोटीन जो बस एक गड्ढा बना दिया है इसके थ्रू निकल जाओ, जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ठीक है, बिग बिग पोर्स आर फॉर्म्ड इन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंट्रोल्ड पोर्स है, ये नहीं कि कुछ भी चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करेगा, चार्ज और साइज चेक होगा, उसके बाद ही क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। एक पतला सा दरवाज़ा है तो उस दरवाजे में से कौन कौन निकल सकता है वो देख लो। ऐसे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हमने लगाए हैं एक्वापोरेंस नाम के, एक्वापोरेंस, एक्वा मीन वाटर, पोरेंस पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन में कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो सिर्फ पानी को जाने देते हैं। नियर अबाउट हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरेंस हो सकते हैं, ठीक। ओवरऑल जब आप स्ट्रक्चर देखोगे प्लाज्मो मेम्ब्रेन का, अगर हमने एक क्लासिक एग्जाम्पल ले लिया आरबीसी का मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 52% प्रोटीन आ जाता है और सिर्फ 40% लिपिड आ रहा है, तो बाकी का बचा हुआ वो क्या चीज़ है? द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव इज, वन, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट्स, ये है कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। दिस कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। स्टेरॉल्स, जिसकी हमने बात साइनोबैक्टीरिया में की थी, साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं क्योंकि उसके पास वॉल है, स्टेरॉल्स ज़्यादा होते हैं माइकोप्लाज्मा में क्योंकि माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लैक करता है। सिमिलरली स्टेरॉल्स आर कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू स्टेबिलिटी टू योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है? एक चीज़ और प्रेजेंट हो सकती है एंड दैट इज प्रेजेंस ऑफ शुगर, यहाँ से निकलते हुए शुगर। इन शुगर्स को हम क्या कह रहे हैं? ओलिगोसैकेराइड्स आर शुगर्स विच एक्ट एज एंटीजन। आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप का शुगर होगा आपके सेल्स के ऊपर, ठीक है, जिससे आपकी इम्यूनिटी जानती है कि ये मेरा सेल है। जैसे मान लो ग्रीन कलर के झंडे लगे हुए हैं, ठीक है, ये मेरा सेल है, इम्यूनिटी नोज कि ये मेरा सेल है। लेकिन अगर कोई बाहर से सेल आता है, मान लो बैक्टीरिया आया रेड कलर के झंडे, अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर ऑन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको पकड़ लेगा आपका इम्यूनिटी कि ये तो मेरा वाला नहीं है सेल, तो इसको मारो। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन बॉडी। लेकिन अगर आपको याद हो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोकेलिक्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी, तो ऐसे में ग्लाइकोकेलिक्स सिमिलर शुगर लगा लेता है जो हमारी है, तो वो फिर बच जाएगा। जैसे हमारे पास अगर ग्रीन कलर के झंडे लगे हुए हैं हमारे प्लस सेल के ऊपर, तो उसने भी ग्रीन कलर के झंडे इवॉल्व कर लिए एंड दैट बिकम्स अ मोर सिवियर इन्फेक्शन, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उसको चेक ही नहीं कर पाई शायद, ठीक है। तो सिमिलरली ओलिगोसैकेराइड्स आर गोइंग टू हेल्प इन एक्टिंग एज एन एंटीजन। आपका सेल, आपके सेल्स इम्यूनिटी आपके सेल्स को पहचानती है, आपके इन ओलिगोसैकेराइड्स को पहचानती है, तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन ट्रांसप्लांट मान लो कराया किसी ने, तो उसके अंदर अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर आ गया तो अटैक मार देगा, और ऑटो इम्यून डिजीजेज में ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स को ये पहचानना छोड़ देता है तो अपने ही सेल्स को मारने लगता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड समझ में आया? शुगर कॉम्पोनेंट्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर? हाँ जी। ओ यूपी हिमाचल, यार तुम लोग बैठे बैठे कोई काम नहीं है। मनवेंद्र क्लियर, मेहुल गुड, आयुष ठीक है, मनीषा बढ़िया। ये जो आपको मॉडल मिला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको डिफाइन करने के लिए और थोड़ा आर्टिस्टिक एक्सप्लेनेशन क्या दे दिया? बोले इट इज लाइक प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ लिपिड, है ना? थोड़ा शायराना मिजाज, बस और कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? फंक्शन पे चलें।
वैसे तो कुछ नहीं छूटा होगा, देख लेना एक बारी फिर भी। वो नहीं बताया तुम लोगों ने मुझे एक बारी, इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का 92 ही है, 72 ही है ना, एक बार चेक कर लेना। फंक्शन लास्ट कितने पॉइंट हो गए? तो स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन बहुत बड़ा वर्ड लिखने वाली हूँ, एक कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कंपार्टमेंट बनाना। कहाँ कंपार्टमेंट बनाया? एक आउटर बन गया, एक इनर एनवायरनमेंट बन गया। सो फॉस्फोलिपिड लेयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, आउटर एंड द इनर पार्ट। सेकेंड ये इंटरेक्शन में काम आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू बाहर जा रही हैं, अंदर आ रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, जिसमें आ जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस सेल के अंदर आने की प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस। एंडो अंदर, साइटोसिस सेल, सेल के अंदर आ रहा है कुछ। सेल के अंदर क्या आ रहा है? सॉलिड पार्टिकल आ रहा है या लिक्विड आ रहा है? सॉलिड आएगा तो कहलाएगा फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फूड पार्टिकल को किसी को खा रहे हो तुम, वो सेल के अंदर आया, फैगोसाइटोसिस, ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस, मान लो कोई हॉर्मोन है इंसुलिन वगैरह जैसा, जिसको आप पी रहे हो तो फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, वो सेल के अंदर आ रहा है। दिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग। खा लिया, पी लिया, पचा लिया, वॉट एवर इज द वेस्ट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, उसको बाहर डंप करना पड़ेगा, सेल के बाहर भेजना है। सो दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटोसिस सेल, सेल के बाहर रिलीज कर रहे हो। एक्सोसाइटोसिस इज रिमूवल ऑफ वेस्ट और रेजिडुअल बॉडीज, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कचरा अपने सेल में रखने लगोगे तो सेल विल बिकम टॉक्सिक, एंड उससे फिर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाएगा। सो हमारे पास मेन दो ये एस्पेक्ट्स, फिर एक्सचेंज इंटरैक्शन में आ गए। इंटरैक्शन एंड सिग्नलिंग, ठीक। और उसके बाद पांचवा ट्रांसपोर्ट। इंटरैक्शन बेसिकली इज ट्रांसपोर्ट, इज ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में अगर एनर्जी नहीं लग रही है, देयर इज नो एनर्जी यूज्ड, then it is known as passive transport, और अगर ATP लगाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे active transport। passive कब? जब सिर्फ मेरे को प्रोटीन चाहिए, मुझे दरवाज़ा चाहिए क्रॉस करने के लिए, मुझे सिर्फ दरवाज़ा चाहिए क्रॉस करने के लिए, मेरे को एनर्जी नहीं चाहिए, किसी का धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इमेजिन करो दो कमरे हैं, एक तरफ कम लोग हैं, 10 लोग हैं, दूसरे कमरे में 100 लोग हैं, ठीक है। तो जहाँ 100 है वहाँ से अपने आप दरवाजे से क्रॉस कर करके 10 जहाँ पे है उसकी तरफ आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूविंग फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई उधर चला जाता एक जगह है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर इन 10 लोगों को उस कमरे में धक्का मारना है जहाँ पे ऑलरेडी 100 लोग बैठे हैं, तो उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। सो एक्सटर्नल एनर्जी इज यूज्ड, एंड एनर्जी क्या? ATP। सो अगर एनर्जी एक्स्ट्रा लग रही है, आपको अपहिल ट्रांसपोर्ट कराना है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाना है, तो यू हैव टू यूज ATP, एंड दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? हाँ जी, डन। ये दोनों पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास पूरा बाकी बचा हुआ चैप्टर। क्लियर? चलिए, डन। ऑलराइट, आज का आधा सेशन तो उड़ गया, उसको नोट्स कंप्लीट कर लेना यहीं से क्लास से। ओके, लिमिटेड ऑफर फॉर गेटिंग योर हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स, ठीक है, डिलीवर टू योर होम। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये दोनों ऑफर्स चल रहे हैं, 12+2 एंड 24+2। तो इफ़ यू टेक 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, राइट। एंड देर दीज आर न्यू बैचेस स्टार्टिंग, इस पे भी जो एनरोल कर सकते हो। आई एम टेकिंग बायोलॉजी देयर, लिमिटेड टाइम ऑफर अगेन फॉर 2021 स्टूडेंट्स, 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, 2 मंथ कोर्स इज अवेलेबल। ये 21 से शुरू हो रहा है, देख लेना एक बार, रिविजन कोर्स है फॉर 2021। प्रोडिजी स्कॉलरशिप, 2 स्कॉलरशिप हैं अन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग। प्रोडिजी 14-15 को है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अभी कॉम्बैट होगा,
25 को. डोंट फॉरगेट टू एनरोल फॉर कॉम्बैट. बहुत सारे प्राइजेस हैं, ऑलमोस्ट डबल द प्राइजेस दैट यू आर विनिंग अर्लियर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास. पहले दो जो टॉप टू आएंगे उनका फर्स्ट ईयर का कॉलेज का फीस भी अन अकेडमी स्पॉन्सर करेगा. और आपके पास बहुत सारे टेस्ट एवरी डे 7 to 7:30 हो रहे, आधे घंटे का टेस्ट है, आईपैड जीतने का चांस एंड और भी बहुत सारी चीज़ें. कोमल लाइव इज़ द कोड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कहीं इधर उधर नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं पूछना, जाओ क्लिक करो कोमल लाइव, एंटर करो एंड एनरोल फॉर दिस टेस्ट. ये 14 और 15 तारीख को है, लेकिन 25 तारीख को 25th of July आपके पास कॉम्बैट है. इसमें भी KOMALLIVE लाइव, कोमल लाइव कोड यू हैव टू यूज एंड लुक एट दी सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट एंड प्राइजेस टू बी वन. तो बहुत सारे ऑप्शन है, और कुछ नहीं तो सबसे ख़त्म हालत प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी. 60 मिनट्स का पेपर, सिर्फ 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन ओनली. अगर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो 2021 के लिए तो पक्का दे देना, घर में किसी को काम आ जाएगा या सब्सक्रिप्शन, क्यों उसको बिना मतलब वेस्ट कर रहे हो. आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शंस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, एक अलग से मेंटोर मिलता है और घर पे नोट्स भी आ जाएंगे वो आपके टाइप्ड वाले, ठीक है, हार्ड कॉपी. प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर डाउट क्लियरिंग एज वेल एज फॉर वन ऑन वन इंटरेक्शन. प्लस पे 5 बजे क्लास होती है, स्पेशल क्लास कल होगी 12 बजे, ठीक है, 12 noon 12 बजे का आपका ये कोर्स होगा. क्वेश्चंस होंगे सेल चैप्टर के, वंस वी कंप्लीट सेल फिर कराऊंगी क्वेश्चंस. आज आधा चैप्टर हुआ, आधा कल हो जाएगा, ठीक है. इसके लिए सिर्फ क्या करना है, स्पेशल क्लास जो बोला वो फ्री है, लेकिन अगर अगस्त में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इन अगस्त आई एम गोइंग टू गो फॉर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फॉर 12th class एंड फॉर 11th class सेल साइकिल एंड अनाटमी, ठीक है. तो ये होगा 11th class के लिए हमारा प्लान इन अगस्त, ठीक. अभी आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि 10 दिन में कुछ आइडिया लग जाए कि हो क्या जाए. प्लस यू कैन ऑल्सो कवर द बैकलॉग दैट यू हैव मिस्ड. तो एक दो चैप्टर्स जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 11th के लिए हमने लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम कर लिया है. सेल इज ऑन गोइंग इन डिटेल थियोरी सेशंस, ठीक है, वन ऑन वन हैंड रिटन नोट्स के साथ वी विल बी डिस्कसिंग इन क्लास. क्लास यही कॉम्बैट की बात करी थी मैंने, कोमल लाइव कोड लगा देना, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड आई विल सी यू इन क्लास एट 5+ वाले बच्चे, सेल की क्लास है आज, आज मिल जाएंगे 5 बजे. और 8 बजे NCERT रीडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशूज. 12th खत्म हो गया है हमारा, YouTube पे यू कैन चेक आउट द लिंक एज वेल, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड अगर वो नहीं मिल रहा है तो मुझे पिन कर देना @KomalLiv पे, पहले तुम बोल लो भाई. तो आई विल ऑल्सो शेयर द होल प्लेलिस्ट ऑफ 12th class. मेक श्योर आप एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट 11th in August. ओके, चलिए, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय. दूसरी क्लास मैम की, सीट मैम की क्लास शुरू हो गई होगी, चलो जाओ, बाय बाय.